पन्ना जिले के पवई में चौरसिया परिवार के सदस्यों ने पुलिस पर आरोपियों की तरह बर्ताव करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने अज्ञात कारणों के चलते चौरसिया परिवार के सदस्यों की बेरहमी से पिटाई करते हुए थाने से ले जाकर आरोपियों की तरह बर्ताव किया। सदस्यों का कहना है कि गुरुवार की दरमियानी रात्रि लगभग 12 बजे के बिना कारण के ही पुलिस 3 जापों के आई और घर के दरवाजे तोड़कर सो रहे सदस्यों को बुरी तरह से पीटते हुए महिलाओं बच्चों को घसीटते हुए थाने ले गई। पवई से अनूप शुक्ला की रिपोर्ट। पुलिस वाले आए और गेट खटखटाते थे, हम लोग सब सो रहे थे, तो इसके बाद में आगे का गेट उन्होंने तोड़ा। आगे का गेट तोड़ते तोड़ते ऊपर से आए, अंदर घुसने के बाद हमारे भैया को मारा, उसके बाद में पापा को मारा। पापा है पैरालिसिस के मरीज है, फिर उनको मारते रहे तो मुंह से उनके खून आ गया। उनने मतलब डंडा मार दिया था तो उनके मुंह से खून आ गया। इसके बाद में हमने उनको बचाने की कोशिश की, बचाने के बाद उनने हमें भी मारा। तो हम अकेले थे घर पे, उनने मेन गेट में लात मार के तोड़ी है, ठीक है, पूरा गेट टूटा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद वो पूरा सर्च करते हुए पूरे कमरा उन्होंने चेक किए। इसके बाद क्या हुआ, नीचे से बहुत ज्यादा मारने पीटने चिल्लाने चीने की आवाज आई। मैंने वहां से देखा तो हमारे चाचा को घसीट के मार रहे थे, चाचा की बहुत विभत्स चीखने वाली आवाजें आ रही थी। इस प्रकार हम लोगों का उसी किसी घटना से कोई लेना देना नहीं है, हम आराम से अपने यहाँ सो रहे थे और पुलिस ने रात को 12 बजे के बाद जो घटना कार्य की है बिना किसी नोटिस वगैरह के, और हम लोगों ने कोई अपराध नहीं किया था, हम लोगों के साथ बहुत ज्यादा जाति हुई है, सामाजिक ठेस पहुँचा है। दो आरक्षक अवैध शराब की पतारशी के संबंध में वहाँ गए थे और जब उन्होंने किसी से पूछताछ की तो कोई वहाँ पुलिस से बहस करने लगा था। इसी तारतम्य में करीब 8-10 लोगों ने दो पुलिस कर्मचारियों की बहुत बेरहमी से मारपीट की थी। जो भी एक आरक्षक भी अस्पताल में भर्ती है जिसका इलाज चल रहा है, उसी तारतम्य में दो लोगों के विरुद्ध और 7-8 अज्ञात लोगों के विरुद्ध थाना पवी में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। वीडियो फुटेज के माध्यम से जिन लोगों की पहचान कराई जा रही थी उसमें कुछ लोगों को थाने लाया गया था और बाकायदा वो लोग जब उस पर नहीं पाए गए थे तो उन्हें बाकायदा समक्ष गवाहों के साथ और उनको रक्षित किया गया है और जो भी घटना हुई है उसके संबंध में पुलिस विवेचना कर रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे पुलिस वैधानिक